गुड इवनिंग एवरी वन पहले मैं ये पढ़ाई वगैरह को कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें नहीं किया करता था पर जब से मैं ये करने लगा लगाऊँ और लगातार YouTube पे करने लगा लगाऊँ तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो मतलब जो मुझसे पढ़े हुए भी हैं जो WhatsApp पे वगैरह मुझसे कॉल पे बोलते रहते हैं कि सर मैं बहुत एंक्शस हो गया हूँ एकदम लगता है हाथ पर छूट रहे हैं एग्ज़ाम दे नहीं पाऊँगी बहुत सारे लड़के लड़की दोनों मतलब इट्स लाइक फिफ्टी फ़िफ्टी रेशियो जो बार बार ये सवाल पूछते हैं और मैं बार बार समझाया भी हूँ कई बार मैंने शायद बोला भी है तो आज मैं इसको एकदम डिटेल में आपको बता देता हूँ डिटेल भी ज़्यादा नहीं होगा पाँच दस मिनट में पूरा अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है ताकि उसका सॉल्यूशन कर सकें देखो प्रॉब्लम बताना बड़ी बात नहीं बड़ी बात है कि उसका सॉल्यूशन हम लोगों को ढूंढना है और उसको फॉलो करना है एंड इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो हम कर सकते हैं ठीक है बड़ी बड़ी फिलॉसफी या साइकोलॉजी की बातें करने का तो कोई अर्थ निकलता नहीं है एंग्जाइटी जो होती है वो एक साइकिल है सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एंग्जाइटी कोई इट्स नॉट एन आइसोलेटेड एपिसोड कि अचानक से आज हम एंगजाइटी है और कल से हम नॉर्मल हो जाएगा इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है एंग्जाइटी ये माइंड का गेम है और ये बार बार आएगा आपको तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ साइकिलकल ये क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ सबसे पहले ये एंग्जाइटी होती क्या है एंग्जाइटी को एकदम सरल भाषा में बोलूँ ना तुमको नींद आ रही है ना भूख लग रही है बट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं है नो स्लीप नो हंगर नो कॉन्सेंट्रेशन अगर नो स्लीप नो हंगर के साथ तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हाई है दैट्स गुड क्योंकि जब इंसान एकदम डूब जाता है पढ़ाई करते वक्त ना तब वो भूख प्यास मिट जाती है नींद मिट जाती है और पढ़ाई में घुस जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन वो तो अच्छी बात है बट मैं क्या बोल रहा हूँ नो स्लीप नो हंगर नो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ भी नहीं पा रहे मतलब पूरा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है ठीक है माइंड एकदम डरा हुआ है पैनिक अटैक बोलते हैं नर्वसनेस है, है रेस्टलेसनेस मतलब किसी भी चीज़ में तुमको शांति नहीं मिल रहा है रेस्नेस नहीं है दैट्स एंगजाइटी और ये बहुत कॉमन है ठीक है बहुत ज़्यादा कॉमन है ये होता रहेगा बार बार होता रहेगा ये क्यों होता है सर इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता रहा हूँ देर आर थ्री फोर रीजन लेकिन नंबर वन रीजन नंबर वन रीजन इज लैक ऑफ एफिशियंसी एफिशियंसी का मतलब क्या होता है एफिशियंसी का मतलब होता है इनपुट आउटपुट को कम्पेयर करना कि जैसे मान लो आई एम अ स्टूडेंट मैं दो घंटे का एक प्लान बना के पढ़ने बैठा हूं कि दो घंटा इज माई इनपुट टू आवर्स इज द इनपुट एंड दो घंटे में मुझे इतने पेजेस या इतना न्यूमेरिकल्स कवर करना है दैट इज द आउटपुट दैट आई डिजायर तो जब ये इनपुट आउटपुट रेशियो बिगड़ जाता है ना तब आप बोलते हो लैक ऑफ एफिशियंसी मतलब दो घंटे में आपको जितना पढ़ना था आप उतना नहीं पढ़ पाए आपने कम पढ़ा दैट्स लैक ऑफ एफिशंसी और अगर आप ज्यादा पढ़ लोगे टारगेट से तो वो मोर एफिशियंट हुआ लैक ऑफ एफिशियंसी इज द मेजर रीजन होता क्या अपने पढ़ने बैठे हम लोगों ने प्लान बना लिया जब पढ़ाई कर रहे हो तो दो घंटे बीत गए तीन घंटे बीत गए और फिर रियलाइज होता है अरे खाली है कुछ याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा क्यों पढ़ा क्या पढ़ा मन नहीं लग रहा है दैट क्रिएट्स अ वैक्यूम एक अंदर ना वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तब चालू होता है जोर से एंगजाइटी कि मैं क्या कर रहा हूं मेरा रास्ता सही है कि नहीं अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है बिकॉज तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया तुमने दो तीन घंटे का प्लान बनाया तो प्लान तो फेल हो गया तो ऑब्वियस यही बात है कि इंसान को अपने ऊपर ही एक डाउट होने लग जाता है कि यार मैं मेरा प्लान गड़बड़ है कि मेरा एग्जीक्यूशन गड़बड़ है मेरे में क्या गड़बड़ है पता नहीं दैट रिजल्ट इन दैट एंगजाइटी और वो एक बार चालू होता है ना तो बढ़ते जाता है फिर तुम कुछ और उठाते हो दो तीन घंटे के लिए फिर अगर उसमें भी सपोज़ जो चाहते थे वो अचीव नहीं हो पाया दो तीन घंटे में तब तो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो ये ना साइक्लिकल होता है इसको किसी भी तरह से तुम कंप्लीटली मिटा नहीं सकते ठीक है तुम इसको नहीं मिटा पाओगे मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या है एक कोटा बना लो इसका एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन बना रहा हूँ एक कोटा बना लो अपने ऊपर कोटा मतलब कि भाई मैं अगर सपोज एक टारगेट सेट किया हूँ पढ़ने का सपोज मान लो तुमने टारगेट सेट किया कि तीन घंटे में तुम्हें इतने पेज पढ़ने या इतना सम्स करना है या इतना पोर्शन पढ़ना है तो तुम एक ट्वेंटी माइनस का कोटा बना के चलो कि अगर मैं जो टारगेट सेट किया हूं एंड इट हैज़ टू बी अ रियलिस्टिक टारगेट कम ऑन ओके तुम तीन घंटे में तीन सौ पेज का टारगेट तो नहीं रखोगे ना तीन घंटे में कितना टारगेट रख लोगे डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द सब्जेक्ट कि वो लाइट है कि हैवी है तुम थर्टी पेजेस फोर्टी पेजेस फिफ्टी पेजेस तक का टारगेट रखोगे तीन घंटे में तीन सौ पेज का तो टारगेट रखोगे नहीं तो अगर तुमने एक रियलिस्टिक टारगेट सेट रखा है तो तुम ये सोच के चलो कि अगर यार ये पच्चीस परसेंट नेगेटिव भी हो गया ना मतलब मान लो कि आई एम एबल टू अचीव ओनली सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ वॉट आई स्टार्टेड और प्लान टू डू तब भी गुड है तब अपने आप को वो मत करना डाउट में मत लाना ठीक है सो so, एक नेगेटिव 25 परसेंट का कोटा क्रिएट करके चलो तुम सोचोगे कि ये एंग्जाइटी है कोई मुझे मोटिवेट कर दे ठीक है तो ये दूर हो जाएगा इसीलिए यही एक रीज़न होता है कि स्टूडेंट लोग कॉल करते हैं आज मुझे जब स्टूडेंट लोग कॉल कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे इस तरह की समस्याएं बता रहे हैं आई कॉल बैक आई टॉक टू देम ठीक है तो मेन रीज़न क्या है दे कॉल मी और दे व्हाट्सएप मी बिकॉज दे वांट सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन कि एक वैलिडेशन चाहिए उनको कि सर है सर बोल देगा कुछ मेरे को समझा देगा तो मैं शांत हो जाऊंगी या मेरा माथा शांत हो जाएगा मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी लाइक like दैट आपको ये समझना पड़ेगा मेरे द्वारा दिया हुआ एक्सटर्नल मोटिवेशन वो बहुत टेम्पररी है वो बहुत टेम्पररी एक बार सब ठीक हो जाएगा लेकिन फिर जैसे ही तुम पढ़ने बैठोगी और दो घंटे में फिर से अगर मान लो तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हुआ फिर से तुम पंक्चर हो जाओगे तो मोटिवेशन जो है ना वो मतलब ऊपर नीचे होता रहता है उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते इट्स वेरी मरकरी एकदम मरकरियल है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतरा है गड़बड़ तुम उस पर रिलाई नहीं कर सकते रिलाई एक ही चीज पे कर सकते हो खुद के काम पे तुम अपना काम करते रहो तुमने अपना प्लान बना लिया अगर माइनस ट्वेंटी फाइव परसेंट भी हो रहा हाँ हो ठीक है कोई बात नहीं मैं सही जा रहा हूं मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं ठीक है जिससे तुम ये समझ पाओगे कहानी नहीं इट्स लाइक अ एनिक काइंड ऑफ अ थिंग बहुत सुंदर वेरी ब्यूटिफुल आई रेड इट इन वन बुक मोस्ट प्रोबेबली मैंने ये सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वाले बुक में पढ़ा था स्टीफन कौवे जी की बुक है उन्होंने क्या एक लाइन बोला था बोला कि देखो जी दो चीज़ें होती हैं इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देना ठीक है इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जहां आपको आपका गोल मिलेगा ठीक है तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से उसको कंपेयर करके बोला था एफिशियंसी मीन्स क्लाइंबिंग द लैडर फास्टर कि सीढ़ी पे एकदम जल्दी जल्दी चढ़ रहे हो ठीक है दैट इज एफिशिय क्लाइंबिंग द लैडर फास्टर कि जल्दी जल्दी मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूं एफेक्टिवनेस इज टू चेक वेदर द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल और नॉट मतलब अगर आपने सीढ़ी गलत चुनी है जो आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा है तब तो आप कितनी भी जल्दी चढ़ोगे आप एक गलत गोल में जल्दी पहुंचोगे आप अपने असली गोल में जल्दी नहीं पहुंचोगे तो ये अपने मन को याद दिलाना कि भले ही मैं एफिशिएंट नहीं हो रहा हूं ठीक है जैसे पढ़ते तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया या तुमको अचीव नहीं हो पाया तुम्हारा आउटपुट नहीं निकला तो यह सोचना कि ओके आई एम नॉट दैट मच एफिशियंट आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट एफिशियट बट एटलीस्ट आई एम इफेक्टिव आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन उस वक्त गलत डायरेक्शन में तो जाना नहीं चाहिए यार मन नहीं लग रहा छोड़ो जी हम तो फेल हो जाएंगे हम ये एग्जाम नहीं देने वाले ये कोर्स मेरे लिए बना ही नहीं हम इस दुनिया के लिए नहीं बने ये तो नहीं होना चाहिए ना वो तो गलत हो जाएगा तो कम से कम दिशा तो सही है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं जितना भी हो रहा है कम पढ़ाई कर रहे हैं पर सही दिशा में जा रहे हैं डे बाय डे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो अचीव होते जा रहा है कुछ ना कुछ तो एक्यूमुलेट हो ही रहा है ना ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है 50% 60% कुछ तो अचीव हो ही रहा है तो ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू एफेक्टिवनेस कि यस आई एम डूइंग द राइट थिंग आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन मे बी आई एम लिटिल बिट स्लोअर मे बी आई एम नॉट दैट मच एफिशियंट दैट्स ओके तब जाके धीरे धीरे तुम्हारा ये एंग्जाइटी का जो अटैक है जो एक दिल तोड़ देता है ना हिम्मत तोड़ देता है वो कम होना चालू हो जाएगा और मैं आपको फिर से बता रहा हूं तुम सोचोगे कि एंगजाइटी एक बार है फिर खत्म हो जाएगा ना हर वक्त एंग्जाइटी हर एवरी ऑल्टरनेट डे एवरी ऑल्टरनेट डे एक दिन बहुत अच्छा पढ़ लोगे दूसरा दिन सत्यानाश फिर तीसरा दिन बहुत अच्छा पढ़ लोगे चौथा दिन सत्यानाश इट्स हैपेंस एवरी ऑल्टरनेट डे ये जब तक, तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाएगा ना हॉल में नहीं घुस जाओगे तब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा ये होता रहेगा तो इट इज़ अ फैक्ट इसको तुम मतलब हटा नहीं सकते बट एटलीस्ट तुम अपना अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हो कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती है ठीक है आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल फॉर योर सेल्फ थैंक यू